ये है मैक्सिमा की मैक्स प्रो नाइट्रो। ये स्मार्ट वॉच आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी और इसको खरीदने के लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो ये स्मार्ट वॉच आती है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। यहाँ सामने की तरफ इसके मॉडल नेम मैक्स प्रो नाइट्रो को मेंशन किया गया है। बॉक्स में इस तरफ बताया गया है कि ये वॉच आती है वन टच कॉलिंग फीचर के साथ में। और बॉक्स में यहाँ पीछे की तरफ इस पर मिलने वाले कुछ मेन फीचर्स को जो है वो हाईलाइट किया गया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर है इसकी MRP। वैसे MRP है इसकी 7490, पर आप इस स्मार्ट वॉच को Amazon से 1499 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो। और यही तो आप इस स्मार्ट वॉच को खरीदना चाहते हो तो इसे खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है हमारी ये स्मार्ट वॉच। और फर्स्ट इंप्रेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो इसका डिज़ाइन यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। उसके बाद हमें देखने को मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस स्मार्ट वॉच को किस तरह से कनेक्ट और ऑपरेट करना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। और साथ ही में है एक वारंटी कार्ड भी। और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलता है एक मैग्नेटिक चार्जर। तो फ्रेंड्स हमें बॉक्स में यही सभी कुछ कंटेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी ही चलते हैं अपने स्मार्ट वॉच की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और लुक्स की। तो स्मार्ट वॉच हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह के काफ़ी प्रीमियम से डिज़ाइन में। और मेरे पास है इसका ये सिल्वर कलर वाला वेरिएंट। उसके अलावा ये स्मार्ट वॉच दो तीन और कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। वॉच में सामने हमें देखने को मिलती है ये 1.39 इंचेस की HD डिस्प्ले और कर्व्ड ग्लास होने के कारण इसकी लुक्स यार काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम निकल के आती है। ये वॉच आती है मेटल फ्रेम के साथ में और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है माइक्रोफोन और साथ ही में एक डेडिकेटेड ऑन ऑफ स्विच यहाँ पर दिया गया है। वॉच में पीछे की तरफ है इसके सेंसर्स और साथ ही में चार्जिंग कनेक्टिंग पिन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इसके साथ में आने वाले स्ट्रैप्स की ये तो हम बात करें तो देख सकते हो कुछ इस तरह के सिलिकॉन स्ट्रैप्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी कंफर्टेबल टू वियर है। वैसे ये रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स है और आप इन स्ट्रैप्स को इजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से रिप्लेस कर सकते हो। ओवरऑल वॉच का डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है और बिल्ड क्वालिटी भी हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो चलिए मैं जल्दी से इस वॉच पर मिलने वाले यूज़र इंटरफेस के बारे में आपको एक बार जल्दी से बताता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ को स्वाइप करने पर हमें वॉच का ये क्विक मेन्यू ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करंट वेदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या फिर आप वॉच की ब्राइटनेस को भी यहाँ से ही इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। उसके अलावा वन टैप कॉलिंग फीचर को भी आप यहीं से डायरेक्टली एनेबल या डिसेबल कर सकते हो और सेटिंग्स में भी आप डायरेक्टली यहीं से जा सकते हो। और इसके मेन्यू ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए हमें लेफ़्ट टू राइट को स्वाइप करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ इस तरह का मेन्यू स्टाइल ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा एक और मेन्यू स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर हमें टोटल दो मेन्यू स्टाइल ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार दूसरे मेन्यू ऑप्शन को भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये है इसका दूसरा मेन्यू स्टाइल ऑप्शन और इस तरफ को स्वाइप करने पर हम डिफरेंट विजेट्स या फिर फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी इस वॉच पर हमें दिया गया है। और नीचे से ऊपर की तरफ को स्वाइप करने पर हम अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन को वॉच पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट वॉच फेसेस में स्विच होने के लिए हमें स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टोटल 7 वॉच फेसेस अवेलेबल है और 150 प्लस फ्री वॉच फेसेस को आप इसकी फ़ोन ऐप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। और वीडियो में आगे चलकर मैं इसकी फ़ोन ऐप को भी आपको एक बार दिखा दूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में और एक बार इसका सेटिंग मेन्यू ऑप्शन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पर कुछ ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसकी वाइब्रेशन और रिंगर को मैनेज कर सकते हो, लो पावर मोड को एनेबल या डिसेबल कर सकते हो या फिर वॉच को रीसेट करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टॉप वॉच और अलार्म वगैरह को भी आप सेटिंग से मैनेज कर सकते हो। ओवरऑल वॉच का UI भी काफ़ी क्लीन और सिंपल है और हमें यहाँ पर बिल्कुल लैग फ्री परफॉर्मेंस मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पर मिलने वाले डिस्प्ले और इसकी बैटरी की। तो 1.39 इंचेस की HD डिस्प्ले है, 600 निट्स की ब्राइटनेस है। हालांकि बेजल इतने नैरो तो नहीं है लेकिन यार डिस्प्ले क्वालिटी को आप यहां पर देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी है। आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में इसका डिस्प्ले कुछ इतना ब्राइट है
और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में इसके डिस्प्ले को रीड करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है। उसके अलावा रेज टू वेक वाला फीचर अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पर काम करता है। नॉर्मल यूजेज में ये तो आप इस वॉच को यूज़ करोगे 60% ब्राइटनेस के साथ में, ये तो आप इस वॉच को यूज़ करोगे तो आपको आराम से 8 से 10 दिन का बैकअप इस वॉच पर मिल जाएगा। और वहीं पर फुल ब्राइटनेस और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में ये तो आप इस वॉच को यूज़ करते हो तो आपको 2 दिनों का बैकअप तो आराम से मिलेगा, और ये वॉच मैक्सिमम 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। तो चलिए एक बार इस वॉच को मैं अपने फ़ोन के साथ में आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो इसे अपने फ़ोन के साथ में आपको कनेक्ट करने के लिए इस मैक्सिमा स्मार्ट फिट नाम की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करना है। वैसे आप इस ऐप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन या फिर iOS फ़ोन दोनों पर इंस्टॉल कर सकते हो। और होम स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलता है। इसके होम स्क्रीन से आप सभी के सभी हेल्थ डेटा को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ इस वाले ऑप्शन से हमें अपने वॉच की कनेक्टिविटी और बैटरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलती है इसकी ये वॉच फेस गैलरी। यहाँ पर आपको अपनी वॉच पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ से अपनी वॉच पर किसी भी कस्टम वॉच फेस को सेट कर सकते हो। और यहाँ पर मोर वॉच फेस वाले ऑप्शन पर टैप करके हमें इसकी ये वॉच फेस गैलरी देखने को मिलती है। देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे बढ़िया बढ़िया वॉच फेसेस अवेलेबल है। सभी के सभी वॉच फेसेस ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, और आप इन 150 प्लस फ्री वॉच फेसेस में से किसी भी वॉच फेस को अपनी वॉच पर डायरेक्टली यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो। अब चलते हैं बैक और एक बार बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन से हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि फ़ोन के कौन सी ऐप की नोटिफिकेशन हमारी वॉच पर शो हो। उसके अलावा अलार्म को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, और आप इस वॉच पर अप टू 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अपग्रेड वाला ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, और जब भी हमारी वॉच के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड अवेलेबल होगा तो आप यहीं से उसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा इस अदर्स वाले ऑप्शन में हमें और कुछ ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइम फॉर्मेट को आप यहाँ से 12 आवर या फिर 24 आवर में चेंज कर सकते हो। हार्ट रेट मॉनिटरिंग ड्यूरेशन को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बैटरी सेविंग वाला फीचर यहाँ पर अवेलेबल है, और क्विक व्यू यानी कि रेस टू वेक वाले फीचर को आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। और ये रेस टू वेक वाला फीचर भी इस वॉच पर बिल्कुल अच्छे से काम करता है। उसके अलावा हार्ट रेट वार्निंग को आप यहां से सेट कर सकते हो, और हार्ट रेट वार्निंग के लिए किसी डिजायर्ड नंबर को आप यहां से सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप यहां से किसी भी नंबर को सेट कर लेते हो, और जब भी उस नंबर के आगे आपकी हार्ट रेट जाएगी तो आपको वॉच पर वार्निंग आ जाएगी। और साथ ही में वेदर वाले फीचर को भी आप यहां से मैनेज कर सकते हो। ओवरऑल इसकी फ़ोन ऐप का UI भी काफ़ी क्लीन और सिंपल है, और हम इजीली सभी के सभी फीचर्स को इसकी ऐप से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वॉच पर मिलने वाले कुछ बढ़िया फीचर्स की। तो वैसे तो हमारी ये स्मार्ट वॉच आती है काफ़ी सारे एडवांस फीचर के साथ में, जैसे कि इस पर हमें हार्ट रेट सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग फीचर, पेडोमीटर और ब्लड ऑक्सीजन मोनिटरिंग जैसे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, और यार सेंसर भी इसके बिल्कुल क्लोज टू एक्यूरेटली काम करते हैं। उसके अलावा वेदर इन्फो आपको वॉच पर मिल जाएगी, म्यूजिक को आप वॉच से कंट्रोल कर सकते हो, और स्पोर्ट्स मोड, स्टॉप वॉच और पावर सेवर जैसे फीचर इस वॉच पर अवेलेबल है। और हाँ, AI वॉइस असिस्टेंट को भी ये वॉच सपोर्ट करती है, और साथ ही में ये वॉच IP67 वाटर रेजिस्टेंस भी है। वॉच पर हमें 2 इनबिल्ट गेम्स मिलती है, और कैलकुलेटर वाला फीचर भी इस पर अवेलेबल है। उसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग को भी ये सपोर्ट करती है। वन टैप कॉलिंग फीचर है, आपको सिंपली यहाँ से स्वाइप करना है और आप वन टैप से यहाँ से कॉलिंग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। और इसके स्पीकर के थ्रू हमें कुछ इतनी वॉल्यूम सुनने को मिलेगी। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इस वॉच का डिज़ाइन और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यही तो बजट प्राइस में आप एक बेस्ट लुकिंग राउंड डायल वाली स्मार्ट वॉच को ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली मैक्सिमा की इस मैक्स प्रो नाइट्रो की तरफ जा सकते हो। प्राइस के हिसाब से ये वॉच आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।